हेलो दोस्तों, नेमत खाना पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नेमत। आज बनाते हैं एक होम रेमेडीज़। इस तरह के चिथड़े जैसा जिसका पैर हो, क्या वो कभी पॉजिटिव रह सकता है? तो इस पैरों की रेमेडी के लिए आइए एक मलहम बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है और इसके सारे इंग्रेडिएंट हर के घर पे मौजूद है। बस 5 मिनट समय लगेगा और जब ये बनकर तैयार होगा और आप इसे लगाएंगे, तब आप समझेंगे कि आपने कितना ज़बरदस्त काम किया है। ये रेमेडी हमारे घर में 50 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है और हम सबों को बहुत ही इससे फ़ायदा मिलता है। और जाड़े में तो एक डिबिया ये हमारे पास होती ही होती है। तो अभी हमारे पास ये घटा हुआ था जब मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसे शेयर कर लूँ। बहुत आसान तरीका है और इसमें मैंने 2 तरह के तेल का इस्तेमाल किया है, एक मस्टर्ड ऑयल और दूसरा कोकोनट ऑयल। दोनों की बराबर मात्रा लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 2 टेबल स्पून ही सरसों का तेल लिया है। इसे कड़कड़ाकर गर्म कर लेना है यहाँ तक कि ये स्मोकी हो जाए। उसके बाद मैंने एक छोटी उंगली के बराबर का इस्तेमाल किया हुआ मोमबत्ती इसमें डाला है और अब आप इसे भूल जाएं। ध्यान रहे कि इस तेल को आप बचाकर, बच्चों के हाथ से बचाकर किसी सेफ़ जगह पर रखें, बहुत ही डेंजरस है। जब आप अपना काम निपटा के आएंगे तो आप देखेंगे कि तेल में धागा पड़ा हुआ है और आपकी होम रेमेडी मोमबत्ती वाली, आपकी वैसलीन जो है, घरेलू वैसलीन, वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये जो तेल है ये आपका बहुत ही अच्छा, इसके मुकाबले में मार्केट में कोई वैसलीन है ही नहीं। और मैं शर्तिया कहती हूँ कि ये एक ही एप्लीकेशन से आपके चीथड़े जैसे पैर को बिल्कुल मुलायम बच्चों जैसा पैर बना देगा, जिसे आपको खुद को बार बार छूने का दिल करेगा। अब किसी साफ सुथरे चौड़े मुँह के बोतल में इसे स्टोर कर लें। अभी गर्मी का दिन है तो ये बिल्कुल मुलायम मक्खन जैसा रहेगा। जाड़े में हो सकता है ये थोड़ा टाइट हो जाए, तो इसे या तो थोड़ा गर्म कर लें या धूप में रख दें। और ये आपका जो वैसलीन तैयार हुआ है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब आप इसे रात में सोते समय अपने पैरों पर भर कर चुपड़ लें, बिल्कुल इस तरह जैसे रोटी पे मक्खन लगाते हैं। हमारे जैसी लेडीज़ जिन्हें ग्लव्स लगाने की आदत नहीं होती और जिनका हाथ हर वक्त पानी में भीगता रहता है, आलू और सब्ज़ी काटना पड़ता है, उनके तो 12 महीने हाथ पाँव में कटछट होती रहती है, हाथ ड्राई होते ही रहते हैं। और इस मोम वाली वैसलिन को लगाते हुए इतना सुखद अनुभूति होता है, इतना मज़ा आता है कि लगता है बार बार इसे मलते ही रहें। और आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी और कितनी मखमली सी वैसलिन है। जब आप इसे लगाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा। हाँ, अगर पैरों में लगाने पर कपड़े गंदे होने का डर हो तो आप रात में मोज़ा पहन लें। तो इसे लगाएं और अगर आराम मिले तो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, समय बदल रहा है और इस बदलते समय में अगर आपको केमिकल फ्री होम रेमेडीज़ मिल जाए तो क्या कहना है। जहाँ तक हो सके घरेलू जड़ी बूटी और नानी दादी वाले नुस्खे को ही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोल्ड कंप्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए और कच्ची घानी का सरसों तेल मिल जाए, साथ ही अगर असली शहद की मक्खियों वाले मोम के छत्ते मिल जाएं, तो क्या कहना है। आप उस अगर उससे आप ये रेमेडीज़ बनाते हैं तो समझिए आपने हीरा पा लिया। इसे लगाकर जब आप अपने ही पाँव पर पाँव रगड़ सकेंगे, आराम की नींद सो सकेंगे, और चादर पर रगड़ने पर जब चादर का धागा पाँव से खिंचाएगा नहीं, तब आप समझेंगे कि आपको इस वैसलिन से कितनी राहत मिली। मैं तो कहती हूँ
इससे शर्त या फ़ायदा मिलेगा, और अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। देखिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल सुगंध नहीं है और इसका जो गोल्डन कलर दिख रहा है वो सरसों के तेल की वजह से दिख रहा है। बहुत ही अच्छा है, आप इसे एक बार बनाएं, लगाएं। थैंक यू।